कुरुक्षेत्र में आज आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री नायब सैनी के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में आप पार्टी के कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी सुशील गुप्ता व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग ढांडा व दर्जनों कार्यकर्ता लाठी चार्ज में घायल हुए। प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी पर तैनात डीएसपी रामकुमार भी घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जैसे ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास की तरफ बढ़ना शुरू किया और पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दिया। आम आदमी पार्टी नेता अनुराग ढांडा और लोकसभा प्रत्याशी कुरुक्षेत्र सुशील गुप्ता जैसे ही प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच पहुंचे, लोगों में जोश बढ़ गया और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया। वहीं पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अनुराग ढांडा जी का सिर फोड़ दिया है, ये हमारे साथ गुड़गावा से साथी इनका सिर फोड़ दिया है, किसी की कमर तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया है, जो लाठी भांजी है, जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बहुत शर्म की बात है कि नरेंद्र मोदी जब जब डरता है वो पुलिस को आगे करता है। आज कुरुक्षेत्र के अंदर भी वही पुलिस का इस्तेमाल किया गया। मैं मानता हूँ कि पुलिस वाले आदेश के पालन करने के लिए पाबंद है, इनको आदेश मिलता है इनके आगाओं का, इनको आदेश मिलता है भाजपा के नेताओं का और ये लाठी भाजना शुरू कर देता है। सैकड़ों कार्यकर्ता घायल हुए हैं, सैकड़ों कार्यकर्ताओं को चोट लगी है, अभी हॉस्पिटल में भर्ती कराएंगे इनको और फिर बात सामने आएगी। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आज गवाह बनी है अन्याय, अधर्म और अत्याचार की। हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए क्योंकि इन्होंने कायरतापूर्ण कार्रवाई करते हुए एक सिटिंग सीएम को रात के अंधेरे में गिरफ्तार करके जेल में डाला, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने आए थे। लेकिन हम तो कब से कह रहे हैं कि इस देश में अब लोकतंत्र नहीं बचा, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी नहीं करने दिया, सिर के ऊपर लाठियां मारी है। आप मुझे बताइए कौन से लोकतंत्र में ये होता है कि कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता अगर प्रदर्शन करे तो उसके सिर पे लाठियां मारी जाए, उनका खून बहाया जाए, महिलाओं के ऊपर जेंट्स पुलिसकर्मी उनकी गर्दन पकड़े। इस तरीके का अत्याचार और अन्याय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राज में हो सकता है। ये तानाशाही चला रहे हैं, तानाशाही लोकतंत्र में इनको पता है कि ये टिक नहीं सकते, इसलिए तानाशाही चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जुलम की कहानी बोल रही है। आज जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, सिरों पे सीधी लाठी मारी, महिलाओं के ऊपर पुरुष कर्मचारियों ने लाठी मारी, इनका सिर फोड़ दिया, ढांडा जी का, सुखबीर जी का सिर फोड़ दिया, इनके पैर तोड़ दिया, किसी की कमर तोड़ दी, चारों तरफ लाठियां से भागियां जैसे दुश्मन देश के लोग आ गए। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के खिलाफ, अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ, वो गिरफ्तारी जिसपे पिछले 2 साल से 1,500 अधिकारी लगे हुए हैं एक फर्जी घोटाले को जांच करने के लिए, कम से कम 300 जगह रेड कर दी है, आज तक कहीं 5 पैसे भी नहीं मिले। अब यही रहेंगे, आगे नहीं, यही रुके रहेंगे। देखिए हम ये संघर्ष करते रहेंगे, हम सड़कों के ऊपर है लगातार, ये हमारे को मार रहे हैं, पीट रहे, परंतु अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, उनकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जाऊंगा तो सरकारी एम्बुलेंस में, नहीं तो चाहे यही मर जाएंगे। हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे और ये संघर्ष जारी रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी इलेक्टर बोंड का घोटाला छिपाना चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से हटाना चाहती है, ये भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को तोड़वाना चाहती है, परंतु इनकी गीदड़ भभके से डरने वाले नहीं है। ये जेल में भेजेंगे, हम जेल से सरकार चलाएंगे, ये को गिरफ्तार करेंगे, हम 1,000 आगे आएंगे। युवा जिलाध्यक्ष हिसार, आज हमारे डंडे और पानी की बौछार की गई है, आज हम हमारा इंसाफ मांग रहे थे, अरविंद केजरीवाल जी का इंसाफ मांग रहे थे, उसी बदले हमारे को आज डंडों से, लाठियों से और भी पानियों की बौछार से पीटा गया है। हमारा ये हाल हो गया, ये मेरा हाथ भी तोड़ दिया गया है, ये देखो भाई साहब मेरा हाथ भी तोड़ दिया गया है आज पुलिस के डंडों ने, बौछार ने, पानी की बौछार ने। मैं युवा जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी हिसार से। देखिए जैसा आप जानते हैं आज ये प्रोटेस्ट था और पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई थी और पूरा संयम, पूरा हर प्रकार से संयम बरता गया, कुछ मामूली जो है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, क्योंकि हालात अगर यदि ये ना प्रयोग किया जाता ज़्यादा बिगड़ सकते थे, तो मैजिस्ट्रेट द्वारा जो है स्थिति को आकलन करके जो छोटी मोटी फोर्स का यूज़ किया गया है, वो हल्की फुल्की चोटें हैं, दोनों तरफ से मुलाजिमों को भी चोट है,
और जो एजिटेटर्स थे उनको भी चोट। प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे और सर कहां पर कर रहे थे? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान है सेक्टर 3 में। ये ज़बरदस्ती जो है इनके अंदर सेक्टर के अंदर जो गली है, जो घर है, वहां जाने की प्रयास किया और बड़े प्यार से समझा के लगातार इनसे बातचीत भी चली, एडवांस में भी समझाया, इनको जगह भी चिन्हित कर रखी है कि सामने आप देख रहे हो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ शरारती तत्व बीच में थे जिनका उद्देश्य ही ये था कि टकराव हो। काफ़ी मुलाजमों को भी मामूली चोटें आई हैं, जो तितर बितर जब की गया, जब किया गया भीड़ को, तो इसकी सारी जांच की जाएगी। सारी फुटेज हैं, सारी वीडियो हैं, अभी हम अकल कर रहे हैं, अभी स्टेज पे बताना मुश्किल है। थोड़ी जल्द, काफी जल्द आपको सारी स्थिति स्पष्ट कर देंगे। लोकसभा उम्मीदवार हैं सुशील गुप्ता, वो भी घायल हुए हैं, अनुराग डांडा भी घायल हुए हैं, अभी वो गए हैं हॉस्पिटल, दोनों तरफ से घायल हैं। अभी जो भी इसकी पूरी डिटेल में जांच की जाएगी, सर, राउंड अप, सारी फुटेजेस हम जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो देख के उचित कार्रवाई की जाएगी। कुछ को राउंड अप किया, अभी मैं इसका एग्जैक्ट फिगर आपको लेके बताऊंगा। मैसेज देना चाहेंगे कुछ यहां खड़े हैं? देखिए, मेरा यही मैसेज है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आपको डेमोक्रेसी है, सबको प्रोटेस्ट करने का राइट है, लेकिन वो डेमोक्रेसी की जो मर्यादा है, कानून व्यवस्था की मर्यादा में आप प्रोटेस्ट करें, ये मेरी आपके माध्यम से सभी से अपील है।